नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह का साथ। डालते नजर खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नव जागरण पार्टी का गठन हुआ, जो मध्य प्रदेश की जन समस्याओं को लेकर 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी के मुख्य मुद्दे नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं का सर्वोत्तम प्राथमिकता, बिजली पानी सड़क, किसानों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, गांव सशक्त तो राष्ट्र सशक्त, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, सस्ता न्याय, प्रशासनिक सुधार, आयोग का गठन, फंड एवं वित्त व्यवस्था आदि कई मुद्दों को लेकर पार्टी का गठन हुआ। नव जागरण पार्टी, जिनके कठिन परिश्रम एवं सहयोग से पार्टी का गठन संभव हुआ, वे निम्नानुसार है। जीडी बड़ोदिया, नर्मदापुरम, पंडित सुरेंद्र कुमार संस्थापक जबलपुर, सुश्री उमा भार्गव भोपाल, श्रीमती जसुमती बड़ोदिया नर्मदापुरम, आरसी शुक्ला जबलपुर, आरसी मिश्रा महितपुर, डॉक्टर सी के विश्नोई मंदसौर, दर्शन सिंह तलरेजा खंडवा, श्याम सुंदर भूतड़ा उज्जैन, श्रीमान क्यू एस चौहान महितपुर उज्जैन, श्री देवीलाल शर्मा मनासा नीमच, जी सी गुजेडिया नीमच, के एल बैरागी सीहोर, राजकुमार शुक्ला भोपाल, जेपी गर्ग डिंडोरी आदि। पार्टियां प्रदेश में आई हो, महिलाओं के लिए काम करने की बात कही लेकिन नहीं कर पाई, क्या लगता है ये पार्टी महिलाओं के लिए काम करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि शुरू से ही महिलाओं के बारे में इन्होंने सोचा है। जब से पार्टी का गठन हुआ हुआ है, तब से महिलाओं को साथ में ही रखा है उन्होंने, और महिलाओं के बारे में बराबर करेगी। क्या अपेक्षा, क्या अपेक्षा रहेगी पार्टियों की महिलाओं के प्रति? पूर्ण रूप से सक्षम रहेगी है। नाम बता दीजिए। जसुमती बड़ोदिया। मैम, क्या लगता है आपने जो नव जागरण पार्टी गठन हुई है उसमें आप भी हो, महिलाओं के आप अधिकार मिल पाएंगे? देखिए, हर नई चीज के साथ कुछ नई चीजों का उदय होता है, और नई चीज से निश्चित ही आशा छोटे बच्चे से होता है कि वो युवा हो और बढ़िया समाज का नाम रोशन करे। उसी तरह हमारी ये नव पार्टी नई गठित हुई है, तो निश्चित ही महिलाओं की इसमें बहुत आशाएं और उनके भरोसे इसमें पूरे किए जाएंगे और पूरे होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो ये तो इसमें कोई आशंका की बात ही नहीं है कि महिलाओं को इसमें क्या। मेरे ख्याल से हमारे जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि लगभग 40% प्रत्याशी महिलाएं ही होंगी, तो बताइए इससे ज़्यादा और क्या कर सकते। नाम बता दीजिए। मैं उमा भार्गव हूँ और पार्टी के साथ। मैं जीडी बड़ोदिया एडवोकेट नर्मदापुरम एवं सहायक संचालक वित्त मध्य प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय नव जागरण पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी हूँ तथा मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर सदस्य हूँ। अभी पार्टी बनाने का विचार हमारे दिल में इसलिए आया कि विगत कई वर्षों से पेंशनरों की उपेक्षा हो रही थी और पेंशनर शासकीय सेवा के महत्वपूर्ण अंग है और शासन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इसके बावजूद भी उनकी जायज मांगों को अनदेखी की जाती रही सरकार, सभी सरकारों ने, तो इससे हमारे पेंशनर को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और जायज मांगों को उठाने और हमारे दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृत भी नहीं किया जाता, और इस उद्देश्य से हमने पार्टी गठन करने का हमारे मन में विचार आया। दूसरा, हमें कई मुद्दों पर हमारी कई सरकारें विफल भी रही, इसलिए भी हम लोगों ने, हमारे जो पेंशनर साथी हैं योग्य हैं सब, और सब जैसे कि अभी दुबे जी ने बताया कि सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर है, कोई वित्त विभाग में, कोई कृषि विभाग में है, कोई जल संसाधन विभाग में है, कोई विधि विभाग में है, सभी जो व्यक्ति रिटायर्ड है सब मास्टर हैं और सब ज्ञाता हैं, और सभी उनका, सभी का हमने इसमें जो संस्थापक बने हैं सभी का हमने उस उनका सहयोग लिया है और इसी उद्देश्य से हमने ये पार्टी को पार्टी का गठन किया है। पार्टी का गठन विगत वर्ष दो मई 2022 में किया गया। किसे? हमारा पूरे प्रदेश में ही इसका फोकस रहेगा और 230 ही विधानसभा पे हमारे प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। मैं टीपी दुबे, दुर्गा प्रसाद दुबे,
पूर्व उप सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा और इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी बनाने का जो संकल्पना है वो ये हुई कि मध्य प्रदेश को बने हुए लगभग 66 वर्षों हो गए, 56 में 66 वर्ष में इस देश इस प्रदेश में कोई राजनीतिक दल एक वैकल्पिक रूप में सामने नहीं आया और देश की और प्रदेश की जो 8 करोड़ जनता है और जिसके 16 करोड़ हाथ हैं वो खाली। प्रदेश की जनता की ये मांग थी कि मध्य प्रदेश के लोगों की अपनी खुद की पार्टी हो, मध्य प्रदेश के लिए हो और मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा हो। तो ये मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी से उभर के राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त करेगी और इसलिए ये मध्य प्रदेश की पहली है जो वैकल्पिक बनने के लिए राजनीति का भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए हमने ये तीसरी राजनीतिक पार्टी बनी है। चौथी सबसे बड़ी बात इस पार्टी की ये है कि इसके निर्माता विभिन्न शासकीय विभागों के वरिष्ठ अनुभवी और विशेषज्ञ कर्मचारी और अधिकारी ये सरकार चलाते रहे और इसमें ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिनके अटेस्टेड सिग्नेचर को सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। तो ऐसे लोगों के द्वारा ये पार्टी बनाई गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये देश की ऐसी पार्टी होगी जो ऐसे लोगों के निर्मित की गई है कि बेदाग हैं, साफ स्वच्छ छवि वाले, शासकीय नौकरी की बेदाग हुए, पेंशन स्वीकृत हुई, पेंशन स्वीकृत हो जाने के बाद आज हम पेंशन दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा चरित्र छाती ठोक के हम कह सकते हैं कि हमारा चरित्र सबसे अच्छा है। तो संसद और विधानसभा में जाने वाले जो दावी हैं वो रुके और जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि कोई भी संविधान कोई भी नियम अच्छा और बुरा नहीं होता, अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अच्छा आदमी जाएगा सत्ता में अच्छा काम करेगा, बुरा आदमी सत्ता में जाएगा बुरा काम करेगा। तो जब अच्छे लोग जाएंगे संविधान वही है, नियम वही है, बहुत अच्छे हैं, संविधान हमारे लिए श्रेष्ठ है, उसकी एक एक वाक्य एक एक कामा एक एक पूर्णग्राम हमारे लिए सर्वधारी है, उसी संविधान के अनुरूप ये पार्टी का पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों में ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी तक हमारे 14 प्रत्याशी बहुत ही अल्पावधि में तय हुए। मुद्दे जैसा कि मैंने अभी पत्रकार वार्ता में आप लोगों को बताया, प्रमुख मुद्दे सर्वोच्च रूप से राजनीति में शिक्षित युवा वर्ग नंबर 1 और महिला नारी शक्ति का सशक्तिकरण, ये पार्टी का मानना है कि समाज के इन दो वर्गों को सशक्त किए बिना राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए पार्टी ने 40% सीटें शिक्षित बेरोजगारों के लिए, 40% सीटें महिलाओं के लिए और शेष 20% सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स के लिए रखी है। ऐसे सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स जिनकी राजनीति में रुचि है, राजनीति में अनुभव अच्छा है और जो शारीरिक रूप से और धन की स्थिति में चुनाव का वहन कर सकते हैं, ऐसे 20% सपोज यदि हमको उतने शिक्षित युवा नहीं मिलते या उसकी शिक्षित महिलाएं नहीं मिलती हैं, तब ये कोटा जो 20% का सीनियर सिटीजन ऑफ पेंशनर्स के लिए है ये बढ़ाया जा सकेगा, पर मेन रूप से 40%। ये भी देश की पहली बार, आप लोगों को मालूम है संसद में 1999 से महिला आरक्षण बिल पड़ा हुआ है, आज भी 99 से लेकर कितने साल हो गए, 24 साल हो गए, 24 साल में कोई भी राजनीतिक पार्टी 33% आरक्षण का बिल पास नहीं करवा सकी है। ये देश की पहली पार्टी होगी जो महिलाओं को 33 तो छोड़ो 40% आरक्षण। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हेडलाइंस 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।